ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी हाँ, इस वीडियो का नाम है सोमवार दो, यानी कि सावन का दूसरा सोमवार। आज पहला है कि आज आपको पंच अमृत जो है भगवान को, शंकर भगवान को अर्पण करना है। मैंने पिछली बार गन्ने का रस पहले सोमवार को और घी और शहद आपसे अर्पण करने को कहा था। मैं आपको जो भी चीज भगवान पर अर्पण करने के लिए बोल रही हूँ वो केवल शिवलिंग पर अर्पण करनी है। और हाँ, अगर आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि घर में शिवलिंग रख सकते हैं तो मेरा जवाब है ना। इतना छोटा सा शिवलिंग रख सकते हैं, वो भी केवल पारे का। बट मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूंगी कि घर में शिवलिंग ना रखें। पंचमेवा मां पार्वती को अर्पण करें, गणपति को अर्पण करें। वैसे भी उन्हें तो सिंदूर लाल चढ़ाऊं, गज्जा गजमुख को पंचमेवे का भोग लगाऊं, आपने उनकी आरती भी गाई होगी, देखा हो सकता है तो मंदिर में बैठकर संध्या के टाइम पर गोधूली बेला में, जिसे हम बहुत अच्छा समय मानते हैं, उस टाइम पर कीर्तन करें, नहीं तो अपने घर में करवाएं। शिव पुराण को लाल कपड़े के अंदर लपेट कर कुछ दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को देकर आए, परिवार के सभी लोग देकर आए एक साथ तो अच्छा, नहीं तो घर का कोई एक सदस्य तो कर ले। चांदी के आपको चांद शिवलिंग पर अर्पण करने हैं, खासकर उनको जिनको हृदय से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, एक बार हार्ट अटैक हो चुका है, या जिनकी शादी नहीं हो रही, या जो डिप्रेस है, या जिनकी लव लाइफ खराब है, या जिनकी मां बीमार है, तो ये उपाय जरूर कर लीजिए। अगर इन उपायों को लेके कोई कंफ्यूजन हो तो इन तीनों नंबरों पर जो ऊपर आपको बैनर पे दिख रहे हैं, इन पे व्हाट्सएप करके क्वेश्चंस पूछ लीजिए, लेकिन इन उपायों से जुड़े हुए हो पहली बात। और मैं सोमवार से ना बहुत पहले ये वीडियोस डालूंगी, ताकि आपको ये सामान एकत्रित करने में, अपने माइंड को सेट करने में, कि ये नहीं है कि कल सोमवार है तो मैं आज वीडियो डालूंगी, मैं पहले से एडवांस वीडियोस डाल रही हूं आपके लिए, ताकि आप इन सब उपायों का सामान इकट्ठा कर ले। अगला, घर में शिव चालीसा पढ़ें जोर जोर से, नहीं तो आपके घर में एलेक्सा है या आपके घर के अंदर म्यूजिक सिस्टम है या अपने फोन पर सुने तो बेहतर होगा। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना है आज शिव पार्वती का नाम लेकर, ठीक है। मैं ये सारे उपाय आपके लिए बनाती हूँ, आपको पता है मेरा रजिस्टर, जो मेरा फेवरेट रजिस्टर था याद है आपको, वो अब भर चुका है, सो आई एम यूजिंग दिस पेपर्स। आपको ये भी मैं क्लियरली बता चुकी हूँ कि जितनी भी महिला हैं सावन के पावन महीने में, उनके हाथ से हरी चूड़ियां उतरनी नहीं चाहिए अगर आप शादीशुदा हैं तो, और अगर आप कुंवारी हैं और आपको शादी करनी है तो भी आपको सुहागनों से हरी चूड़ी लेके पहननी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे राखी जी के हाथ में हरी चूड़ी क्यों नहीं है, क्योंकि भाई अभी सावन ही शुरू नहीं हुआ, सावन शुरू होगा तो आप राखी जी के हाथ में भी हरी चूड़ी देखेंगे, ये भगवान की कृपा है। तो अपने हाथ में हरी चूड़ियां अर्पण पहने और सुहागनों को अर्पण करें, गिफ्ट में दे, तोहफे में दे, अनमेरिड लड़कियों को दे तो बहुत अच्छा रहेगा। और पान खाकर पति को खिलाकर रात में सावन के सोमवार का व्रत संपूर्ण करें। भोजन करने से पहले किसी को भोजन जरूर कराएं। ये है सोमवार वीडियो पार्ट टू।